आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरी ट्वेंटी के हो गए आज अल्हम्दुलिल्लाह तो उसकी खुशी में मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी और ये मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर मुझे क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की तो मैं यही ब्राउनीज़ बनाती हूँ ये जल्दी से बन भी जाती हैं तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं स्क्रीन पर मैंने सारे इन्ग्रीडियंट शेयर कर दिए आप ऐसे ले लीजिएगा सबसे पहले हमें मेल्टेड बटर चाहिए रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होना चाहिए ये और एक कप शुगर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स की मदद से मिक्स 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 हो गया मिक्स मिक्स के बाद अब हमें थ्री एग्स लेने हैं एग्स हमें रूम टेम्परेचर के हिसाब से लेने हैं फ्रिज वाले बिल्कुल नहीं लेने अगर आप कोई ब्राउनी बनानी है तो पहले ही आप फ्रिज से निकाल के रखिएगा इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है खूब अच्छे से फैंटी लगानी है उसके बाद स्मूथ हो गया हमारा मिक्सर मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे कोको पाउडर कोको पाउडर को हमें स्ट्रेन करना है अच्छे से क्योंकि कोको पाउडर में क्या है ये छोटे छोटे से दाने बने होते हैं और ये मिक्स नहीं होते बहुत जल्दी और इसमें टाइम भी लगता है तो इसलिए इससे अच्छा है आप स्ट्रेन करके डालें मैदा ही डाल सकते हैं क्योंकि मैदा होती है बारीक तो इसे मिक्स कर लेना है आप फिर से फिर से मिक्स 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 जितना अच्छे से आप मिक्स करोगे इसे उतना अच्छा आपका ब्राउनी बन के तैयार हो फिर हमें फोर टू फाइव पिंच बेकिंग पाउडर के लेने हैं उसके बाद फ़ोर टू फाइव ड्रॉप्स वनीला एसेंस डालना है और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स 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 कर देना है उसके बाद डार्क चॉकलेट बार लेनी है छोटे छोटे से टुकड़े डाल देने हैं इसमें और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है आप डार्क चॉकलेट ही लीजिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है मैंने यहाँ पर अमूल की डार्क चॉकलेट ली है उसके बाद इसे भी मिक्स कर लेना मिक्स करने के बाद अब ये जो है मैं विदाउट ओवन ब्राउनी बना रही हूँ क्योंकि मेरा अवन खराब हो गया था इसमें भी एग्जैक्ट टेस्ट आता है घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है बिल्कुल अवन वाला टेस्ट आएगा सबसे पहले आपको पतीला लेना है बिरयानी वाला उसके बाद उसमें इतना पानी डालना है स्टैंड रख देना है और फ्लेम ऑन कर देना है उसके बाद ये मैंने कंटेनर लिया है कंटेनर है ये इसमें हम क्या करेंगे पहले बटर लगा देंगे और जो हमने पतीला रखा है उसमें पहले बबल्स आ जाने चाहिए पानी में फिर हम इसे रखेंगे और बटर पेपर पे भी बटर लगा देंगे अच्छे से इसे सेट करेंगे उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बैटर को बैटर को अच्छे से ट्रांसफ़र करेंगे स्पैचुला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और आपको क्या करना है बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद इसे मोल्ड में ऐसे सेट करना है आपको और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि बबल ना आए बैटर में और एक अच्छा साइज़ आ जाए ब्राउनी का ऊँट ऊँचा नीचा ना हो गैस मैंने पहले ही ऑन कर दिया था ये पानी हमारा गर्म हो चुका है मैं हाथ डाल के चेक कर लीजिएगा आप मैं यहाँ पे हाथ डाल के चेक कर रही थी उसके बाद आप एक बार मेजर कर लीजिएगा कि आपके जो मोल्ड है ये पतीले में आ भी रहा है पहले या नहीं तो मेरा आ गया था अब हमें क्या करना है हमें अब लो फ्लेम कर देना है अपना और इस पर प्लेट ढककर थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स तक मैं इसे ऐसे ही रखे दूँगी उसके बाद आप थर्टी मिनट एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ क्योंकि मैंने चेक करा था थर्टी मिनट नहीं हुआ था तो मैंने पाँच मिनट और करे थे तो थर्टी फाइव मिनट्स में, में मेरा ये तैयार हो गया था आप कोई प्लेट लेके आप इसे ऐसे पलट देना मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रखा था क्योंकि मोल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था पकड़ा नहीं जा रहा था और ये हमारी ब्राउनी तैयार है आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही है ये इतनी आराम से बटर पेपर प्यार से उतर के आया अब हमें ये कट कर लेना है आप कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज लिए थे और ये देख सकते हैं आप इतना मॉइस्ट इतना सॉफ्ट ब्राउनी बन के तैयार हुई है ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कट करके आप सबके प्यार की वजह से सपोर्ट की वजह से मेरे ट्वेंटी के हुए हैं थैंक यू थैंक यू सो मच अलहमदिल्ला ये देखिए ये चेक करिए आप इतनी सॉफ़्ट ब्राउनी तैयार हुई है ये और इतनी टेस्टी थी मैंने चाय के साथ खाई थी ये मेरा बड़ा मन चाह रहा था कि कुछ मीठा बना के खाऊं तो दिस इज़ द रेसिपी जो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ ज़रूर ट्राई करके कमेंट करिएगा कमेंट का इंतज़ार करूँगी ओके अल्लाह हाफिज़